मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं इस वक्त एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ। ये जनाब हमारे महेश कुमार गौड़ साहब हैं जो गुज़िश्ता कई दहों से अवामी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। सो बहुत ही कम उम्र में थे जब उन्होंने कांग्रेस से वाबस्तगी इख्तियार की थी और कांग्रेस के कई अहम अहदों पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी। वो हमारी रियासत आंध्र प्रदेश के NSOI के रियासती सदर भी रह चुके हैं साबिक में, और उसी के साथ जो सो यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जो सो एक दो मरतबा जो सो इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था और बहुत ही कम वोटों से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उनको एक ज़बरदस्त अवामी मकबूलियत हासिल है और वो आवाम के पसंदीदा बिलखसूस नौजवानों के जो सो पसंदीदा लीडर है। और मौजूदा हालात में अगर उनको हमारे मुस्लिम तबके का एक जो सो है गर्दीज अजीज़ कायद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनकी मकबूलियत को देखते हुए हाल ही में जो सो AICC पे जो सो प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने उन्हें रियासत तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कारगुजार सदर मुंतखब किया गया है। इस वक्त हमारे महेश कुमार गौड़ साहब जो सो रेवंत रेड्डी साहब के साथ उनकी टीम से वाबस्ता हैं और नहायती जोश व जज्बे के साथ एक नए अज़्म हौसले के साथ कांग्रेस को बरसर इख्तदार लाने की मुहिम में ये लोग जुड़े हुए हैं। हम अपनी नेक ख्वाहिशात का उनके लिए इजहार करते हैं। और सबसे पहले तो मैं अवाम टीवी के नाज़रीन की जानिब से महेश कुमार गौड़ साहब को प्रदेश का जो सो कारगुजार सदर मुंतखब किए जाने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ और अवाम टीवी की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले साहब ये सवाल करूँगा मैं आपसे कि कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 7 सालों से अपना वजूद खो चुकी थी। अपोजिशन का जो रूल उसको प्ले करना चाहिए था, अपोजिशन का रूल प्ले करने में कांग्रेस नाकाम हो चुकी थी। लेकिन हाल ही में रेवंत रेड्डी साहब को जब सदर प्रदेश कांग्रेस बनाया गया उसके बाद से एक नया जोश बलवाला देखने में आ रहा है। तो मैं ये पूछूंगा कि आगे चल के कांग्रेस की क्या पॉलिसी रहेगी, क्या हिकमत अमली रहेगी, आवाम के बीच जाने के लिए, आवाम के दिलों में जगह बनाने के लिए कांग्रेस क्या जो एक्टिविटी करेगी, किस अंदाज से जो आवाम से अप्रोच करेगी। अरे तो सबको नमस्कार। गए 7.5 साल में भी कांग्रेस हमेशा अपोजिशन की रोल अदा करती आई है। लेकिन क्या रहता, KCR जब 2014 में सरकार को अपनाई तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थे। तो अभी जो उम्मीदों जो वादों से उन्हों सत्ता में आए वो वायदे पूरे नाकाम हो गए। तो अभी शुरू हो गया है कि लोगों में कि KCR साहब आगे चलने वाले नहीं है सरकार, तो धीरे धीरे उनकी उम्मीदें टूटते जा रहे हैं। और ये अहम टाइम पे रेवंत रेड्डी को पीसी प्रेसिडेंट बनाया गया, तो लोगों में पीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी बनते एक नौजवान आदमी, KCR को सही तरीके से जवाब जाने वाला आदमी पीसी प्रेसिडेंट बनते ही आम जनता में खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उम्मीद पैदा होना शुरू है कि रेवंत रेड्डी कर सकते हैं। KCR के जो अनडेमोक्रेटिक पॉलिसी से जो वायदे करके ना सत्ता में आए वो पूरे वायदे नाकाम कर दिए और आज सिर्फ उनकी फैमिली के अलावा किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। खाली प्रॉमिसेस कर रहे और प्रॉमिसेस तोड़ते जा रहे 7.5 साल में। तो इस सीजन देखते हुए रेवंत रेड्डी आते एक नया उम्मीद कार्यकर्ताओं में आम जनता में शुरू होगी। आने वाले दिनों में KCR को घर भिजाने वाला आदमी कोई है तो रेवंत रेड्डी है। तो रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में जो PCC टीम आज सोनिया गांधी ने दी है वो टीम बराबर पब्लिक में जा रही है और KCR के जो एंटी डेमोक्रेटिक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और पब्लिक में समझ आ रहा है कि KCR जो वायदे करे खासकर नौकरियों का, तेलंगाना हम क्यों हासिल करें, सबसे बड़े मुद्दा तेलंगाना हासिल करने में नौकरियां था। राजशेखर रेड्डी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे खासकर मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन करे, वो 4% रिजर्वेशन में बहुत सारे लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी मिले। और KCR भी पहले सत्ता से आने से पहले यही वादा करा कि घर को एक नौकरी दूंगा। आज कितने नौकरियां दिया उन्होंने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी जाते जाते जो 85,000 नौकरियां जो देते गए दिए इन्हों 7.5 साल में आज 20,000 नौकरियां पार नहीं करे। अगर 2014 से अगर नौकरियां देना शुरू करते थे तो आज इस वक्त तक SC ST BC माइनॉरिटियों का नौकरियों की संख्या से कम 75-80,000 पहुंचता था। ये चार कास्टों का तुम नौकरियां देना शुरू ही नहीं करे अभी। और नौकरियों का KTR क्या बोल रहा, पूरे आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिला के हम नौकरियां दिए बोले। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट लेबर सरकारी नौकरी नहीं होती। हम यही पूछते कि सरकार घर में सरकार की नौकरी होना, ये छोड़ के उनके घर में पूरे सरकारी नौकरियां बना ले। उन्होंने मुख्यमंत्री बने, बेटे को मंत्री बनाए, दामाद को मंत्री बनाए, भांजे को मंत्री बनाए, बेटी को MLC बनाया, MP था MLC बनाए, आयरे गरे
आजू बाजू के रिश्तेदार पूरों को नौकरियां दी, लेकिन आम जनता जो तेलंगाना के लिए शहीद हुए उनके घर में कोई आज तक नौकरी नहीं मिला। और प्रोजेक्टों के नाम पे लाखों करोड़ रुपए पब्लिक का पैसा ले आके प्रोजेक्टों में डाल रहे और उल्टा उस पर से कमीशन खा रहे। तो आज तेलंगाना आने के बाद कोई फैमिली अगर तंदुरुस्त हुआ तो KCR की फैमिली हुआ, कोई इसके अलावा कोई कॉमन आदमी का किसी का फायदा नहीं हुआ। खासकर मुसलमान का बहुत नुकसान हुआ। इलेक्शन से पहले उन्होंने 12% का रिजर्वेशन दे तुम बल्कि प्रॉमिस करा, आज तक नहीं हुआ। तमिलनाडु के जो तमिलनाडु में जो सिस्टम है वो सिस्टम के आधार पर मैं 12% रिजर्वेशन देता हूँ, कोर्ट के जजमेंट को पार करके रिजर्वेशन देता हूँ बोला। 7.5 साल हो गए आज तक 1% का रिजर्वेशन नहीं हुआ। और जो कांग्रेस 4% रिजर्वेशन दी वो भी आज नाकाम रही है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो सही वही 4% को इम्प्लीमेंट करते थे, हजारों नौकरियां मुसलमान घर में रहते थे। और आज जो बोल रहे आप शादी मुबारक, कोई नया स्कीम नहीं है, तो मास मैरिज के नाम पे कांग्रेस का स्कीम है। वो टाइम पे 10 साल पहले अमाउंट थोड़ा कम था, आप अमाउंट बढ़ा के उसको नाम बदल के शादी मुबारक बोल रहे। अगर आप एक घर में हर घर में अगर नौकरी देते हैं तो ना हमको शादी मुबारक की ज़रूरत पड़ती, ना पेंशन की ज़रूरत पड़ती, ना आप दे रहे सो राइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी क्यों दे रहे आप? हमारा हक है नौकरी, हमारे हक के हिसाब से अगर नौकरी हमको मिलता, हमारे घर में एक नौकरी मिलता, कम से कम सैलरी उसका 50 से 60 हज़ार मिलता, तो किसी फैमिली को ये नौकरियों का, ये पेंशन का, ये शादी मुबारक का, कई स्कीम्स का जरूरत ही नहीं पड़ता। खुद पैरों पे खड़ा होकर वही नौकरी से खुशी रहता और उनके सोनेमंद हो जाते उसकी फैमिली। तो ये पूरे छोड़ के खाली झूठे वायदा करना और हर दिन एक वायदा करता, नेक्स्ट दिन उसको वायदा को तोड़ता, यही सिलसिले 7.5 साल से चल रही है, अब आगे चलने वाले नहीं है। पब्लिक के मन में एक आ गया है कि आने वाले दिन में कांग्रेस सरकार अगर इस स्टेट में आती है तो SC ST मुसलमान पिछड़े वर्गों का फायदा होता, बल्कि मन में आ गया यही चलेगा। आने वाले दिन में कब भी इलेक्शन होता है तो रेवंत रेड्डी सरकार में आने गया। यहाँ पर ना आपने अभी बात कही कि रियासती हुकूमत जो है, जो TRS हुकूमत है जो स्कीम चला रही है, वो स्कीम जो है सो यानी कि राइड देने वाली नहीं है बल्कि भीख की शक्ल में दी जाने वाली जो सो इमदाद है। और आप ये कह रहे हैं कि जो सो ऐसी स्कीम्स को जो सो इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे जो सो किसी भी तबके को, खवा कोई भी दलित हो, BC हो या मुसलमान हो या जो सो कोई और कम्यूनिटी हो, उन लोगों को जो सो हक मिले, राइड मिले, ये बात आपकी बात समझ में आने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं खासतौर पर मुस्लिम तबके की बात करूँगा क्योंकि मेरा उर्दू का चैनल है और मुसलमानों से वाबस्ता है, मेरे गैर मुस्लिम भाई भी जो सो मेरे व्यूवर्स है, लेकिन जो सो बड़ी तादाद जो सो मेरे मुसलमानों के साथ जुड़ी हुई, इसलिए मैं रास मुसलमानों के ताल्लुक से यहाँ पर सवाल करूँगा कि जैसे कहा जाता है कि जो सो किसी भी जो सो कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए उसको जो सो एजुकेटेड बनाओ, तो यहाँ पर जो सो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो सो एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, वो पॉलिसी के तहत रियासत में डिपार्टमेंट टेम्परेज के नाम कायम करी और उसके तहत 204 रेजिडेंशियल स्कूल चला रही है और 118 जूनियर कॉलेजेस जो सो अपग्रेड करी, ये कॉलेजेस के स्कूल्स को जो सो अपग्रेड करके जो जूनियर कॉलेज बनाए। तो यहाँ कांग्रेस के पीरियड में हम जब देखते हैं तो इस तरह की कोई स्कीम हमको इंप्लीमेंट होती भी नजर नहीं आई। यानी कि निजामबाद में जैसे मैं बात करूँ, निजामबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक जो सो रेजिडेंशियल जो सो स्कूल था, एक कॉलेज था, लेकिन जैसे अब TRS के पीरियड में जो सो करीब 36 जो सो स्कूल्स है, तो इस तरह से आप क्या कहेंगे? देखो कांग्रेस का एक पॉलिसी है इस जो KCR आने के लिए उसको स्पेशलाइज बना के उसको अलग अलग नाम दे के रेजिडेंशियल स्कूल के नाम पे स्कूल ओपन कर रहे हैं, उसको आपको कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का पॉलिसी है एजुकेशन एंड हेल्थ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते आए हम। अब आप इंडिया में आए सो पूरे NIMS, AIIMS, NITs जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो कांग्रेस के देन हैं, ना BJP दी ना TRS दी। और आज ये रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, पहले भी थे रेजिडेंशियल स्कूल्स के नाम पर, ये नाम बदल के उन्होंने जो गुमराह करने की कोशिश कर रही है ये नाम कामयाब नहीं है। कांग्रेस 1947 में सत्ता में आने के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर को अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया जी। एजुकेशनिस्ट था वो, एक इंटेलिजेंट आदमी था, ताकि इसको एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदले और सारे देश में पिछड़े वर्ग जातियों को एजुकेशन मिले। आप बोले से एक बात सही है, जिस घर में एजुकेशन रहता वो घर में वो घर कलर TV बनता, जिस घर में एजुकेशन नहीं रहता वो ब्लैक एंड व्हाइट TV बनता। तो हर आदमी को एजुकेशन मिलना फंडामेंटल राइट है, कांग्रेस ये मान के चलती है, हर आदमी को एजुकेशन मिलना और हर फैमिली को हेल्थ मिलना। ये TRS आने के बाद पूरे सरकार के हॉस्पिटल पूरे बाजू कर दिए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल देखो, यशोदा, KIMS, अपोलो, अब हर आदमी को वहाँ जाना पड़ रहा, पैसे लगाना पड़ रहा। पहले आरोग्य से स्कीम था,
कांग्रेस के टाइम पे दिए सो कितने भी गरीब किसे गरीब आदमी होने दो कौन सा भी एक स्टार हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करवा सकता था, कितना भी होने दो ऑपरेशन के लिए वो पैसे मिलते थे। आज कहाँ है वो आरोग्य स्कीम, किधर गया, बाजू कर दिए। एजुकेशन के नाम पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे, बड़े बड़े इंडियन कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे, सबको स्कीम्स बदल के उसमें अमेंडमेंट्स ला के बाजू कर दिया स्कूल्स को। फी रिइंबर्समेंट जो बड़े बड़े स्कीम था, सबसे बड़ा कांग्रेस में रायसेकर रेड्डी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए के सरकार में उन्होंने भाग थे वो टाइम पे दिए सब बड़े स्कीमों में दो स्कीमें, एक है एक आरोग्य स्थिता और एक फ्री रिएम्बर्समेंट। गरीब से गरीब बच्चा, खासकर मुसलमान के बच्चे बच्चियां जाके स्कूल में पढ़ सकते थे मुफ्त में, एक बगैर एक रुपये दिए एजुकेशन मिलता था। आज किधर गया वो स्कीम, रिएम्बर्समेंट, बच्चों का रिएम्बर्समेंट कॉलेजों में चार चार पाँच पाँच साल पेंडिंग कर रहे। तो वही 4% में कितने की हज़ारों मुसलमान के बच्चे बच्चियाँ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बाद में नौकरियाँ मिले, आज किधर है? आप एजुकेशन नहीं दे रहे, आप बोले से हमारे हक नौकरी नहीं दे रहे, लेकिन भीख दे रहे आप, और आदमियों को भीख मांगने का आदत कर रहे हैं आप। ये छोटे छोटे स्कीमा दे के हर फैमिली को भीख मांगने का आदत बना दे रहे हैं आप। ये मत पूरे बाजू रख के हमको नौकरी दो, हर घर में एक नौकरी दो पढ़ा लिखा आदमी को, ये सब छोटे छोटे चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ता हमको। कम से कम 50 से 60 हज़ार का तनख्वाह मिलता है एक नौकरी को, तो 50-60 हज़ार में आप 10% नहीं है आप, जो 150 पेंशन हो दो, शादी मुबारक दो, पूरा मिला तो एक महीने का नौकरी से छूट जाते पूरे। तो हर घर में एक नौकरी दो। 2014 में आप सत्ता में आने से पहले क्या बोले, एससी को मुख्यमंत्री बनाते बोले, 7.5 साल होगा एससी को मुख्यमंत्री बनाए, नहीं बनाए, आप ही बन के बैठे, और अभी आप बेटे को बनाना चाह रहे। अभी तो एससी को बनाओ, बहुत सारे एससी लोग एफिशिएंट लोग आपके कैबिनेट में, अभी तो एससी को बनाओ, आप दिए से वायदा पूरा करो। एससी को 3 एकड़ जमीन बोले, नहीं दिए। मुसलमान को 12% रिजर्वेशन बोले, नहीं दिए। गिरिजन ट्राइब्स को 12% रिजर्वेशन नहीं दिए। किधर गए आपके प्रॉमिसेस पूरे? डबल बेडरूम घर बोले, कितने घर मिले निज़ामबाद में, कितने एप्लीकेशन आए निज़ामबाद में? जहाँ तक मेरे को नॉलेज में है 50-60 हज़ार से ज़्यादा एप्लीकेशन मिले आपको, 1000 घर तक नहीं दिए आप। 7.5 साल हो गए आपके प्रॉमिस दिए, आप सत्ता में आने के लिए 5 साल के लिए प्रॉमिस दिए, अब 7.5 साल हो गए, अब कब करते आप, कब प्रॉमिसेस फुलफिल करते? तो ये बात बोलने का क्या है, केसीआर पब्लिक के हित में काम नहीं कर रहा। केसीआर अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉरपोरेट सेक्टर के दोस्तों के लिए काम कर रहे। आज केसीआर स्टेट में सत्ता में आने के बाद उनके आजू बाजू रिश्तेदारों में 10 से 20 लोग अरबपति बन गए। कैसे बन गए? आपके पॉलिसीज से। आप सरकार के लैंड्स भेज रहे प्राइवेट पार्टीज को, और कौन सा लैंड भेज रहे आप? कांग्रेस के टाइम पे एससी एससी को दिए सो कोकापेट लैंड्स आप ऑक्शन करके भेज रहे, हालांकि कोर्ट का आर्डर है 60 गज के हिसाब से दादा 250 प्लाटा वहाँ दिए सो कोकापेट प्राइम लैंड में, उनको बगैर कोई नोटिस बगैर कोई इतला उसको हटा के आप वो कोकापेट लैंड्स आपको अपने लोगों को भेज रहे मुफ्त रेट में भेज रहे, जहाँ की 60-70 करोड़ को एकड़ जाने वाला जमीन को आप 20-15-20 करोड़ में बेच के सरकारी खजाना को खाली कर रहे हैं आप, इंटर्न आपके फैमिलीज को चिंतन कर रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहा सरकार, ये पब्लिक के हित में काम कर रहे सरकार नहीं है। अगर पब्लिक के हित में, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सबके हित में अगर काम होना है, सबके हित में का डेवलपमेंट होना, तो कांग्रेस को वापस आना बहुत जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं रेवंत रेड्डी पीस बनने के बाद ये सोच शुरू हो गई पब्लिक में कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो हर काम सुनाई से आसानी से होती है, खासकर मुसलमानों जितने कांग्रेस पार्टी ने की है, कोई पार्टी नहीं करी आगे भी नहीं करेंगे। अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो हिंदू मुसलमान को 2 अंकों का सत्ता देख के हम आगे चलेंगे। जो आप बहुत अच्छा सवाल पूछे कि रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है सरकारी की प्रॉपर जीओ के हिसाब से नहीं चल रहे, ये खाली टेम्परेरी के अंदर स्कूल्स को चला रहे, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ये स्कूल्स केसीआर ने तो बाद में ऐसा कोई आउट सरकार तो कभी बंद कर सकते, तो इसको लीगल सैंडिटी देना बहुत ज़रूरी है। लीगल सैंडिटी अगर देते तो आपके बाद कोई भी है इसको हटा नहीं सकते। तो रेजिडेंशियल स्कूल्स जो जहाँ तक मुसलमानों के लिए हमारे भाइयों के लिए चला रहे, उसको लीगल सैनिटी देने का, प्रॉपर जीओ के हिसाब से उसको देने का कोशिश करो तो मुसलमान का फ़ायदा होता है। सर अभी मैं आपसे एक लास्ट सवाल ये करूँगा कि अब इस वक्त ये बात हकीकत है कि पब्लिक कांग्रेस की खतर बनना चाह रही और कांग्रेस से अट्रैक्ट भी हो रही, लेकिन जो है सो कांग्रेस के लीडर्स पब्लिक तक अप्रोच नहीं कर सक रहे। तो इस वक्त रेवंत रेड्डी की क्यादत में जो एक बड़ी टीम इस वक्त जो सो सामने आई है और इस टीम में जो सो लोग भी है काम करने का जज्बा रखने वाले और जो सो अच्छे लीडर्स हैं, तो आप लोग किस अंदाज में पब्लिक से अप्रोच करेंगे? अब ये मेरा आखिरी सवाल है, अहम सवाल। सरकार जो भी पब्लिक की अगेंस्ट डिसीजंस ले रही है,
उसमें साढ़े सात से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए एक नया स्कीम लाया है तेलंगाना में हाउस अरेस्ट। कोई भी अगर लीडर बाहर जाके जो केसीआर के अगेंस्ट अगर बोलना चाहता बात करना चाहता है तो उसको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। तो पहले कभी नहीं था, बड़े बड़े लीडर से जाकर छोटे लीडर से बड़े लीडर तक हाउस अरेस्ट करके आपको पब्लिक तक जाने का मौका नहीं दे रहे। फिर भी हम पब्लिक में जाएंगे, जो भी केसीआर के एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज है एंटी पब्लिक पॉलिसीज है उस पर लड़ेंगे बराबर। ये दो साल बचा है, दो साल में पब्लिक तक पहुंचेंगे, ऑलरेडी पब्लिक में और बड़े बड़े स्कीम्स पर पब्लिक पहुंचेंगे। केसीआर जो गलतियां कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए कांग्रेस आए तो हम क्या फायदा करेंगे, आम जनता को एक्सप्लेन कर लेंगे हम।